सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ गाइस ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बेस्ट एप्लीकेशन, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। और दोस्तों हो सके तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से जा कर के आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस एप्लीकेशन से आप लोगों को बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आप लोगों को फ़ोटो चॉइस करना होगा। तो फ़ोटो चॉइस करने के लिए आप लोगों को एक बीच में बटन देखने को मिल रहा है एल्बम का, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ से कोई भी अपने फ़ोटो को चॉइस कर लेना है, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर चॉइस कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि एक टिक आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ऊपर, तो उस पर टिक पर क्लिक कर देना है। टिक पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो यहां से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक लेफ़्ट साइड में कई सारे टूल देखने को मिल रहे होंगे, उस पर आप लोगों को पहले वाले टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को पहला टूल देखने को मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में अपने फ़ोटो को कुछ इस टाइप से हल्का सा जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद में आप लोगों को कुछ इस टाइप से अपने मॉडल पर पेंसिल कर लेना है, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड, पूरी फ़ोटो, पूरा सब दोस्तों रेड कलर का हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है। थर्ड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में आप लोगों को बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो इस टाइप से आप लोगों को पेंसिल कर लेना है बैकग्राउंड के ऊपर। तो दोस्तों मैंने इस टाइप से पेंसिल कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो पार्ट है मॉडल का, वो कुछ छूट रहा है। तो छूटने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर फिर से जाना है। फिर से जाने के बाद में आपका पार्ट जहाँ जहाँ छूट रहा है उसको फिल कर लीजिएगा। इस टाइप से आपको पेंसिल चलाना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से कर लिया है, यहाँ पर थोड़ा बहुत छूटा है, इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत छूट चुका है, ऊपर ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ थोड़ा यहाँ बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है। थर्ड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ से ये इरेज कर लेना है, जैसा कि दोस्तों मैंने कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख चुके हो कि यहाँ पर आपने मॉडल को अच्छे तरीके से आप लोगों ने फिल कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा हो, तो यहाँ पर आप लोगों को लेफ़्ट साइड में ब्लर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग कुछ इस टाइप से इसे 100 कर सकते हैं, तो आप लोगों का बैकग्राउंड है वो प्रोफेशनली पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कितने अच्छे से ब्लर हो चुका है। अगर आप लोगों को कम रखना है तो कम भी रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नीचे फैदर का देखने को मिल रहा है टूल, तो फैदर आप लोग कुछ इस टाइप से इतना रख लीजिएगा हमेशा। नीचे आप लोगों को कई सारे टूल देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को दूसरे वाले टूल पर जाना है, यानी कि एपर्चर पर। एपर्चर पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में बोके का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उस पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर बोके इफेक्ट आप लोग डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर बोके इफेक्ट डाल देता हूँ। इस टाइप से आप बोके इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको बोके इफेक्ट नहीं डालना है, तो यहाँ पर राइट साइड में क्रॉस का बटन देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक करके आप बोके इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। या आप लोगों को डालना है तो ऐसे करके आप लोग बोके इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ से मैं हटा देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, तो यहाँ पर फेडिंग का टूल है। तो फेडिंग पर जा करके आप लोग यहाँ पर नेचुरल फ़ोटो कर सकते हैं, या मैनुअली आपको एडिट करना है तो यहाँ से मैनुअली आप लोग एडिट कर सकते हैं।
दोस्तों। और नेक्स्ट टूल है यहाँ पर चौथा टूल फिल्टर का, फिल्टर का टूल है यहाँ पर। आप लोग अपने हिसाब से जो फिल्टर चॉइस करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे फिल्टर दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का फिल्टर जो आप लोगों को चेंज करना है या आप लोगों को होल का चेंज करना है वो सब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड है उसका फिल्टर चेंज होगा। यहाँ से आप लोगों को कई सारे टूल देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन में हल्की फुल्की जो है वो एडिटिंग हो जाती है। आगे दोस्तों पांचवें टूल की बात करते हैं इफ़ेक्ट का। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को बिगनेटिंग है ऑप्शन, उसको आप लोग यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर कई सारे टूल, कलर मास्क है तो यहाँ से ब्लैक कलर हो जाएगा। स्टीकर है, स्टीकर से आप लोग कुछ इस टाइप से अपने फ़ोटो का स्टीकर बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, यहाँ पर शार्पनिंग का है, शार्पनिंग डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में कई सारे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को सेव करने के लिए फ़ोटो यहाँ से आप लोगों को क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ से आप लोगों को यस पर कर देना है, फ़ोटो यहाँ से सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है आफ्टर फोकस। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, नीचे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप लोगों को दे दिया है, जाकर के वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा नमस्ते।